तो है गाइज, वेलकम है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो रोमन रेंग्स रसलमेनिया के बाद WWE को क्वाइट कर सकती हैं, WWE को लीव कर सकती हैं। तो अगर आप रोमन रेंग्स के फैन हो तो थोड़ा सीरियस हो जाओ एंड वीडियो एंड तक देख लेना। तो देखो दोस्तों, रोमन रेंग्स एंड कोडी रूड्स का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रसलमेनिया की नाइट 2 में मेन इवेंट में बड़ा मेगा मैच होने वाला है, जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड कुछ फैंस चाहते हैं कि कोडी रूड्स को फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश कर देना चाहिए, रोमन रेंग्स को हरा देना चाहिए एंड चैंपियनशिप अपने नाम कर लेनी चाहिए ताकि उनकी स्टोरी फिनिश हो जाए। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली रोमन रेंग्स की बायोग्राफी रिलीज की गई है, जिसमें रोमन रेंग्स क्लेम करती हैं कि अगर वो चैंपियनशिप कोडी रूड्स के अगेंस्ट रेसलमेनिया में हार जाती हैं तो वो WWE को लीव कर जाएंगे, उसके बाद से वो WWE में कभी वापस नहीं आएंगे। एंड दोस्तों, ये क्लेम रोमन रेंग्स ने अपनी बायोग्राफी में करा है। एंड दोस्तों, जो स्पॉइलर आ रहे हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कोडी रूड्स है वो रोमन रेंग्स को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर सकती हैं। तो भाई, रोमन रेंग्स ने क्लेम करा है, कोडी रूड्स यहां पर जीतना चाहती हैं, अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात कन्फर्म है कि अगर रोमन रेंग्स रसलमेनिया में हारते हैं तो वो डेफिनेटली WWE को लीव कर जाएंगे, बिकॉज उन्होंने क्लेम करा है मंडे नाइट रो में कि अगर वो हारते हैं तो वो लीव कर जाएंगे WWE को। तो इसका मतलब है कि रोमन रेंग्स नहीं हारने वाले रसलमेनिया में, वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे किसी भी हालात में। वैसे स्टोन गोल्ड, जॉन सिना, द रॉक, वो सभी शामिल होने वाले हैं रोमन एंड कोडी के मैच में, इंटरफेरेंस कर सकती हैं, लेकिन स्टिल देखना होगा क्या कुछ होता है। वैसे आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करे एंड रोमन रेंग्स लीव कर जाए WWE को, या फिर रोमन रेंग्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करे एट रसलमेनिया? जो भी आपके थॉट्स है कमेंट करके बता दो, वीडियो लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।